रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पहुंचने के जमकर नारे लगे। साथ ही राजद के बागी विधायक सह रालोसपा के प्रत्याशी सत्यदेव सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को फूलों का माला पहनकर स्वागत किए। इस मौके पर गोरियाकोठी की जनता में एक अलग उत्साह देखने को मिला। सिवान के गोरियाकोठी में रालोसपा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सिवान के अधिकांश लोग गरीब परिवार से आते हैं। सबका सपना रहता है कि मेरा बेटा शिक्षा हासिल कर सके व आईएएस व आईपीएस बने। वहीं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा पूरी तरह से चौपट कर दी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिला। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को सिंचाई व्यवस्था व भ्रष्टाचार को खत्म कर जनता की समस्याओं को दूर करने का भरोसा जनता को दिलाया। कहे कि 15-15 वर्षों तक बड़े भाई ने शासन किया। क्या लगता है सर, इस बार गोरियाकोठी की जनता फिर से एक बार आपको विधानसभा भेजेगी? सर, मैं काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। जनता का रुख सही है, गरीब तबके जो है सभी हमारे साथ हैं। सर, पिछले बार आरजेडी से जीत के आए थे, तो इस बार उनका साथ आपको मिलेगा इस उस पार्टी के पार्टी उसमें हमको सब जाति में मेरा वोट है, सारे जाति और लोगों को खास खास जाति वोट है और मेरा वोट हर वर्ग में। सर, लगातार यहाँ के लोग गोरियाकोठी को जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे सर, जीत के आएंगे तो? को जिला बनाने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन किया था बसतपुर के लिए, जिसमें वो हमारे सरकार ने जमीन चिन्हित कर लिया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अगली सरकार में जिला